الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق. बुजुर्गान मोहतरम बिरादरान अजीज और मेरी इस्लामी बहन, आज हमारे दोस्त जनाब इलियास शेख साहब की साहिबजादी का अक़्द निकाह था, तो बाद असर मस्जिद नूर में मैंने निकाह पढ़ाया और वहाँ निकाह के मौज़ पर चंद बातें की, तो सोचा कि आज आप हज़रात के सामने भी निकाह के हवाले से चंद बातें अर्ज कर दूँ। हकीकत यह कि निकाह सिर्फ एक समाजी और माशरती ताल्लुक नहीं है कि दो अफराद का आपस में ताल्लुक माशरती बुनियादों पर कायम हो जाए, या एक समाजी ताल्लुक है, एक रिश्ता है जो मुनक़िद हो गया। हकीकत में निकाह एक मुस्तकिल इबादत है और ऐसी इबादत है कि जब से अल्लाह तबारक व तआला ने इस इबादत को वजूद बख्शा है, उस वक्त से लेकर आज तक, बल्कि क़्यामत तक, यहाँ तक कि क़्यामत के बाद आलम आखिर में जन्नतों में भी ये इबादत कायम दायम रही। इस दुनिया के ख़त्म होने के बाद हर इबादत मौकूफ हो जाएगी, जन्नतों में नमाज मौकूफ हो जाएगी, ज़कात मौकूफ हो जाएगी, हज मौकूफ हो जाएगी, रोज़ा मौकूफ हो जाएगा, सब इबादतें मौकूफ हो जाएंगी, लेकिन जन्नतों के अंदर निकाह की इबादत कायम रहेगी। जन्नतों में ईमान होगा और ज़ाहिर है कि ईमान मुस्तकिल कोई इबादत नहीं, बल्कि वो तो एक अकीदा है। हाँ, अमली इबादत निकाह की वहाँ जन्नतों में भी बाकी रहेगी। यही वजह है कि दुनिया में अंबिया इकराम ने निकाह फरमाए, बड़े बड़े जलील कदर अंबिया इकराम रसूल सब ने निकाह फरमाया,
इल्ला ये कि हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम ने निकाह नहीं फरमाया, उनको कुरान ने हुसूर फरमाया, वो हुसूरन थे, उनको औरतों की तरफ रगबत नहीं थी, गलबा आखर था, उनके खुसूसी अहवाल थे जिसके नतीजे में निकाह नहीं फरमाया। उसके अलावा सब अंबिया इकराम ने निकाह फरमाया। हाँ अलबत्ता हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अभी तक तो निकाह नहीं फरमाया, लेकिन क़ुर्बे क़यामत जब नज़ूल फरमाएंगे और उम्मत मुहम्मदिया अला साहिब सलात व तस्लीम में तशरीफ लाएंगे तो निकाह फरमाएंगे और उनकी औलाद भी होगी। तो देखिए एक नबी हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम उन्होंने निकाह नहीं फरमाया, बाकी हर नबी निकाह करे, हर नबी ने निकाह किया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम निकाह फरमाएंगे। तो इतनी अजीम शान इबादत है कि कोई भी नबी इससे बालातर नहीं, हर नबी ने निकाह फरमाया। और जैसा कि आप जानते हैं कि अल्लाह की इबादत की हिकमत तकवा है, नमाज की हिकमत तकवा है, रोज़े की हिकमत तकवा है, इसलिए तो रोज़े की फरियत पर फरमाया कि लअल्लकुम तत्तकून, या अय्युहल्लज़ीना आमनु कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, ऐ ईमान वालो तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किया गया था। क्यों, हिकमत क्या है, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवे वाले बन जाओ। और तकवा किसे कहते हैं, अल्लाह की खशियत या मोहब्बत की वजह से गुनाहों से बचना। या तो मोहब्बत इलाही इतनी जागुजी है कि उस मोहब्बत की वजह से निगाहें झुकती हैं कि यार आज गुनाह अगर करेंगे तो कल महबूब को क्या शक्ल दिखाएंगे, मोहब्बत रोक लेती है कि नहीं यार नहीं, उस महबूब की मंशा के खिलाफ ना करें, यह तकवा है। या खशियत और खौफ अल्लाह की अजमत और हैबत और किबरियाई और फिर अजाब इलाही, उसका तसव्वुर पाँव में जंजीर बांध देता कि नहीं अगर ये हरकत की तो आखिरत में हौलनाक अजाब है, डर जाता है, ये तकवा है। हाँ गुनाह का दाइया पैदा होता है, गुनाह करने की चाहत पैदा होती है, लेकिन ये अल्लाह की मोहब्बत या खशियत की वजह से वो उससे अपने आप को रोक लेता, ये तकवा है। और यही वजह है कि फरिश्तों को मुत्तकी नहीं कह सकते हैं, हम ये नहीं कह सकते हैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम बड़े मुत्तकी हैं। हाँ मासूम तो है, मासूम तो कह सकते हैं, हम मुत्तकी नहीं कह सकते, इसलिए कि फरिश्तों को तो गुनाहों का ख्याल ही नहीं आता, उनका तो सांस सांस अल्लाह की इबादत है, उनके कल्ब में गुनाह का ख्याल ही नहीं, अगर गुनाह करना भी चाहें तो कर नहीं सकते, अल्लाह ने उनमें गुनाह करने का मादा ही नहीं रखा। जब गुनाह करने का मादा ही नहीं रखा, अब गुनाह नहीं करते तो ये तकवा नहीं है। हाँ कह सकते हैं कि मासूम है, इस्मत की मोहरें लगी हुई हैं, गुनाह का तसव्वुर वहाँ नहीं है, लेकिन गुनाह का ख्याल पैदा हो फिर ना करें, फरिश्तों में ऐसा नहीं है। यही वजह है कि फुकहा ने मसला लिखा है कि एक मादरजाद अंधा जो पैदाशी अंधा पैदा हुआ, सारी जिंदगी उसने आंखों से कोई गुनाह की चीज नहीं देखी, उसको इस चीज के ना देखने पर कोई सवाब नहीं, हालांकि सारी जिंदगी उसने आंखों से गुनाह की चीज नहीं देखी क्योंकि मादरजाद अंधा है, उसको तो बहुत सवाब मिलना चाहिए, पर मैं उसको कोई सवाब नहीं है, इसलिए कि उसके अंदर गुनाह करने की अहलियत ही नहीं है, ताकत ही नहीं है, वो अगर देखना भी चाहे तो नहीं देख सकता है। हाँ आंखों वाला है जो देख सकता है गुनाह की चीज, फिर वो अल्लाह की मोहब्बत या खशियत की वजह से निगाह हटाता है, अल्लाह उसको ईमान की हलावत अता फरमा देता है। अल्लाह कहते इसको अजर सवाब दो कि बावजूद ताकत और कुदरत के इसने सिर्फ मेरी मोहब्बत और खशियत की वजह से निकाह हटा दी है, इसको अजर सवाब दे। तो बिल्कुल इसी तरह फरिश्ते जो कोई गुनाह नहीं करते, उनके इस गुनाह का ना करने पर कोई सवाब नहीं मिलता, जैसे मादरजाद।